अगली खबर में बात करते हैं कन्नौज की, जहां चिरैयागंज स्थित कांसीराम कॉलोनी में बीते दो दिन पहले हुए दो समुदाय के बीच विवाद का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पैंदाबाद तिराहे पर मुखबरी की सूचना पर पहुंची एसओजी व कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज कोतवाली थाना क्षेत्र के पैंदाबाद तिराहे के पास में सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ अपराधियों का मूवमेंट है। पुलिस ने नाकेबंदी और घेराबंदी की और पुलिस पार्टी को देखकर पुलिस पार्टी पर अपराधियों ने फायर कर दिया। अपने बचाव में पुलिस बल ने भी इसमें कार्रवाई की है, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है और घायल अवस्था में इस अपराधी को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। एक दूसरा अपराधी जो उसके साथ में था वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अभी तक की फौरी जानकारी में ये बात प्रकाश में आई है कि ये घायल अपराधी एक दुस्साहसिक किस्म का अपराधी है, जो 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है, और बाकी डिटेल्स इंटोगेशन और तफ्तीश के बाद पता चलेगी, जो शेयर की जाएगी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।